हेलो एवरीवन नमस्ते अन अगेन वेलकम बैक टू अनादर व्लॉग आज है धनतेरस तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली और आज धनतेरस पे सुबह उठ के मैंने नहा लिया है और सुबह सुबह मैं बनाने लग गई हूँ केक क्योंकि केक मुझे 12 से 1 के बीच में देना है और कल मेरा बनाना नहीं हुआ था कल फरियाल बनाने में टाइम चला गया बाहर भी गए थे शॉपिंग करने तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसीलिए सुबह सुबह केक बनाने में लग गई क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है और थोड़ा सा सेट हो जाए ना केक तो उसकी टेस्ट अच्छी लगती है तो इसलिए सबसे पहले केक बना लूँगी और बाकी सारे काम बाद में करती हूँ और आज मैं थोड़ी होम बेकर्स के बारे में बातें कुछ बताऊँगी मैं हूँ इसलिए नहीं सारे होम बेकर्स के बारे में और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि होम बेकर्स के केक नॉर्मल बेकरी से या फिर केक शॉप से थोड़े से महंगे होते हैं हाँ महंगे होते हैं लेकिन उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं अभी मैं जिसके लिए केक बना रही हूँ उसका दो महीने में ये पाँचवा या चौथा ऑर्डर है और वो कंटिन्यू मेरे से केक लेती हैं और आप एक बार अगर होम बेकर के केक टेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बेकरी से केक लोगे येस जो टेस्ट में और हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उनकी मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि यही चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है बेकरी में कैसे केक बनते हैं कैसे उन्हें रखा जाता है मैंने खुद देखा है और आप भी कभी देखोगे ना तो आप बेकरी के केक कभी भी नहीं लोगे मैंने देखा है बेस ऐसे बन के पड़े हुए रहते हैं उनके तो बहुत सारे रहते हैं तो स्टोर करने के लिए कोई जगह रहती नहीं तो प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते फिर जब जब क्रीम लगा के रेडी हो जाते तो भी फिर वो ऐसे ही रख देते ताकि एक क्रीम लगाने का काम करता है और कोई और बंदा उसे डेकोरेट करने का काम करता है तो ऐसे ही केक पड़े रहते हैं उस पर मक्खिया और पता नहीं अभी मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये सब बातें बताई देखी है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके आसपास कोई होम बेकर है तो उनसे केक लीजिए यस थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन हम अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं हाइजीन रहता है हाइजीन तो रहता ही है जब घर में केक बनता है आप खुद का ही देखो जब खुद खाना या कोई भी चीज़ बनाते हो तो हाइजीन रहता ही है ऊपर से टेस्ट वो पता नहीं कौन से क्रीम प्रीमिक्स यूज़ करते हैं कौन सा मटेरियल रहता है क्योंकि बेकरी वाले बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं और हम चाहते जो होम बेकरस होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को क्वालिटी और टेस्ट भी मिले तो इसीलिए हमेशा अच्छा प्रोडक्ट अच्छा टेस्ट ये सब देने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे केक बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो ये थोड़े से महंगे रहते हैं मैं बार बार यही बोल रही हूँ लेकिन टेस्ट हाइजीन और ऐसी कई सारी बातें हैं जो जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मैंने फिर से यहाँ पे बोलूँगी कि जो टेस्ट में हाइजीन में और इन सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना वो थोड़े से ज़्यादा पैसे में बिल्कुल ज़्यादा पैसे देने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे तो अगर आपके आसपास भी कोई होम बेकर हो तो आप ऑर्डर्स उन्हें ही देना तो ये मेरा पाइनएप्पल थीम वाला केक रेडी है ये देखिए इस तरीके से एकदम डार्क रेड कलर आया है बहुत सुंदर दिख रहा है सिंपल है बट बहुत ब्यूटीफुल है तो केक मेरा बन चुका है लेकिन अभी सारे काम बाकी है केक पाइन केक है सिर्फ ऊपर से ऐसा रेड वेलवेट जैसा दिख रहा है तो केक अभी मैं सेट करने के लिए रख देती हूँ फिर भी करते करते टाइम हो गया और अभी कुछ भी काम नहीं हुए हैं अभी कामों को स्टार्ट करूंगी तब जाके थोड़ा चकली और चिड़ा मुझे बनाना है तो उस कामों के लिए भी टाइम मिलेगा तो चलिए फिर इसे मैं केक में रख सॉरी इसे फ्रीज में रख देती हूँ केक कैसा के बनाइए आप कमेंट में बता देना तो केक बनाने के बाद मैंने कर ली भगवान की पूजा तो आज है धनतेरस तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस आज धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है लेकिन धनवंतरी भगवान का फोटो तो है नहीं तो मैंने नॉर्मल जैसी पूजा करती हूँ ही मैंने पूजा कर ली और लेट ही हो गया थोड़ा सा सोचा था कुछ और एक्चुअली ये जो केक है वो कल देना था लेकिन अर्जेंट ही बोलेंगे उसको तो अर्जेंट ही ऑर्डर था तो रात को तो मेरा कुछ हुआ नहीं क्योंकि रात को कुछ अलग काम किए थे अच्छा हुआ बेस बना के रख दिया था क्योंकि बेस बनने में फिर उसे ठंडा होने में टाइम लगता है तो इसीलिए फिर सुबह मेरी एक्चुअली ना लेट चालू होती है आठ बजे से चालू होती है तो इधर टाइम मुझे कम मिलता है यही मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ और इसीलिए मेरा काम लेट चालू होता है फिर लेट तक चलता है लेकिन अभी पूजा भी हो गई है केक भी मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया केक कैसा बनाना ये आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है मतलब देख के ऐसे काटने की इच्छा नहीं होती है और प्यारा लगता है ये रेड वाला केक है ना बहुत प्यारा लगता है और अभी कुकर बन गया है और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी क्योंकि इसके बाद फिर करेले का टाइम नहीं आएगा क्योंकि अभी दिवाली के मतलब इसके आगे आज बना लेती हूँ क्योंकि आज मुझे फरियाली नहीं बनाया मिला आज मैं सब फरियाल की चीज़ें बना लेती हूँ चकली चूड़ा और लड्डू बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाऊँगी और फटाफट अभी खाना बना लूँगी और उसमें वो, मतलब वो काम चालू कर देती हूँ अगर केक नहीं रहता ना तो अब तक मेरा खाना बन जाता और अभी मैंने चकली या कुछ तो चूड़ा वगैरह बना ही लेती बट ठीक है केक मतलब अभी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ तो ऐसे मैं मना नहीं कर सकती जब तक एकदम मेरे से नहीं हो रहा तब तक मैं मना नहीं कर सकती मुझे ऑर्डर्स लेने ही हैं और अच्छा है मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली केक बनाना पता नहीं कितना भी काम हो लेकिन केक के लिए मैं मना नहीं कर सकती सो तो वो बन गया है खाना बना लेती हूँ और फिर बनाते हैं चकली तो चलिए फिर खाना बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता टाइम कैसे चला जाता है ना पता भी नहीं चलता है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया और उसके बाद शाम ही हो गई फिर शाम के सारे काम करने पड़े झाड़ू दिया लगाना और ये सब और फिर हम दोनों अभी लगे हैं चकली बनाने में मैंने ही अश्विन को बोला था कि आप डाल के दो लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इसका कोई मतलब नहीं है टाइम तो उतना ही लगने वाला है चकली डाल डाल तो सकते हैं जल्दी जल्दी लेकिन उसे फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अकेले भी करती तो उतना ही टाइम लगता लेकिन अभी वो करने में लग गए थे तो उन्हें उनको पूरा ही कंप्लीट करना था तो उन्होंने चकलियाँ मुझे ऐसे डाल के दी वो साँचे से और मैंने फ़्राई कर ली रेडीमेड जो चकली भाजनी आती है वही मैंने लाया था और हमेशा मैं वही लाती हूँ वो भाजनी वगैरह नहीं करती हूँ और यहाँ पे बाहर सोसाइटी में फट रहे थे फटाके पटाके और रियांश था नीचे तो वो मुझे ना डर ही लगता है क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा पागल है ना अभी पटाखों के पीछे और रियांश भी मतलब ऐसे डर ही लगता है कि अकेले गया है नीचे तो पता नहीं कैसे रहेगा पटाखों के पीछे भागेगा मतलब बहुत ज्यादा बच्चे ना अभी पटाखों के पीछे बहुत ज्यादा पागल हैं और ये इस तरीके से हमारी मस्त कुरकुरी चकलियाँ बन के रेडी है और ज्यादा नहीं बस आधा किलो का पैकेट था तो आधा किलो इनफ है अगर लगी तो फिर से लेके आएंगे और फिर से बनाएंगे ये रे चकली खाएगा क्या नहीं। बता खा के कैसी बनी है? अच्छी बनी बहुत अच्छी बनी खा के देख ना तू नहीं तू खा ले सब सब नहीं रे बाबा और एक ले ले और बस आज के लिए इतना ही है नहीं रियांश आज के लिए इतना ही बहुत तूने पहले भी मैंने खाया अच्छा ठीक है बदमाश सच में चकली बनने के बाद फिर हम दोनों गए मार्केट में थोड़ी सी सब्जी लानी थी और थोड़ा छोटा मोटा सामान लाना था तो सब्जियाँ लाई हरी सब्ज़ियाँ और ये रंगोली के दो साँचे धूप और मैंने लाए हैं थोड़े से नॉर्मल दिए क्योंकि ये दिए मैंने निकाले थे जो ऊपर रखे थे लेकिन इसमें ना छोटे दिए मिल ही नहीं रहे थे जब हमने शिफ्टिंग किया तब पता नहीं दिए कहाँ गायब हुए मैंने ऐसा सोचा था कि पता नहीं बहुत सारे दिए और मेरे पास थे बहुत सारे दिए लेकिन जब ये थैला निकाला मैंने थैला तो उसमें ये सारे बड़े बड़े ही दिए थे उसमें छोटे वाले दिए मेरे दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि हर साल मैं दिए लेती हूँ और पिछले साल के भी रहते हैं हर साल जो लेती हूँ उसे भी डेकोरेट करती हूँ अच्छे से सजाती हूँ और फिर उसे भी लगाती हूँ लेकिन पता नहीं बहुत सारे दिए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए ये जो बड़े दिए हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ ये भी मैं लगाती हूँ हमेशा लेकिन छोटे दिए जो डोर में लगते हैं वो ज़्यादा काम में आते हैं ये दिए से तो ये इस तरीके से बड़े दिए तो मिल गए इसके साथ छोटे छोटे मटके लेते हैं ना हम उस टाइप के वो भी मिल गए बस जिसका काम था मुझे छोटे दियो का वो नहीं मिला तो इसीलिए मैंने अभी टाइम पे जाके एक डजन दिए और लेके आए एक डजन अभी इस साल के लिए इनफ है अगले साल में ये भी कायम आएंगे और दूसरे भी मैं लूँगी ये इस तरीके से ये जो रोल करके रखा है ना मैंने इसमें है जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको मटकी मटकी बोलेंगे तो ये दियो को भी अभी मैं कुछ नहीं करूँगी डेकोरेट नहीं करूँगी जैसे है ना वैसे ही लगाऊँगी इसको भी अभी दो तीन साल हो गए हैं बट ये अच्छे ही है अभी भी तो काम तो कभी खत्म होने नहीं वाले हैं काम जितने आप लोगे उतने ज़्यादा आएंगे मैंने आज सोचा था कि मेरा आज सब फरियाल बन जाएगा चूड़ा भी बन जाएगा और बेसन के लड्डू भी बन जाएंगे लेकिन नहीं सिर्फ चकली में टाइम गया और इधर उधर जाना होता है शॉपिंग दिवाली तक ही चलेगी काम भी दिवाली मतलब दिवाली के दिन तक काम चलेंगे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है काम रह जाता है तो टाइम ऐसे ही चला जाता है बट ठीक है कल का दिन है तो कल कर लूँगी चिवड़ा और बेसन के लड्डू बस करण जी मुझे देखती हो करना रहा तो करण जी करना है कि नहीं लेकिन अभी जो सब्जियाँ लाई है हरी सब्ज़ियाँ उसे अभी साफ़ करके रखती हूँ ताकि कल वो काम नहीं रहे और किचन का भी क्लीनिंग करना है लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो को एंड करते हैं आपसे मैं कल मिलूँगी एक प्यारा सा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करना उसकी वजह से आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आप मेरे वीडियोस देख पाओगे तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस अगेन